जहाँ दोस्तों आपके लिए एक न्यूज निकल कर आ रही है सामने, वो है हमारी चॉइस फिलिंग के बारे में। जहाँ दोस्तों आप सभी को पता है चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी गई है और इस चॉइस फिलिंग का फॉर्म हमें कैसे भरना है हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीए बीकॉम बीएससी में एमपी के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, तो इसके लिए हमें दूसरे नंबर पर जो काम करना होता है वो होता है चॉइस फिलिंग का। फर्स्ट नंबर पर जो काम करना होता है रजिस्ट्रेशन का। एडमिशन प्रोसेस हमें चार चीजों से होकर गुजरनी होती है। नंबर एक पर रजिस्ट्रेशन होता है, नंबर दो पर चॉइस फिलिंग होता है, नंबर तीन पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, नंबर चार पर मेरिट लिस्ट आती है। इसके बाद में ही हमारा एडमिशन हो पाता है। तो रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने बना दिया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन के बाद जो चॉइस फिलिंग होता है उस चॉइस फिलिंग को हमें कैसे करना है पूरी जानकारी को बताऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से। 2024-25 में क्या प्रोसेस रखी गई है चॉइस फिलिंग करने की सारी जानकारी समझेंगे हम। तो दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर हमें बहुत सारी लिंक्स दिखाई देंगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो लिंक आपको दिखाई देगा वो रजिस्ट्रेशन का दिखाई देगा, इसी लिंक से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है चॉइस फिलिंग का। तो अब हमें चॉइस फिलिंग करना है, 1 से 20 मई तक आप चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग कैसे करना है सारी जानकारी को मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। चॉइस फिलिंग करने के लिए इस लिंक पर हमें क्लिक कर देना है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो 124-00 से एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा, उसको यहाँ पर डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना। इसके बाद में आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर फर्स्ट स्टेप यानी कि बेसिक डिटेल में आपने एक पासवर्ड क्रिएट किया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पर आप फिल कर देना होगा, ठीक है। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पर 4+3 का आंसर 7 होता है, फिल कर देना है। व्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद में हमारा फॉर्म है लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद में सबसे पहले तो हमें हमारी डिटेल्स दिखाई देंगी, जैसा कि देख पा रहे तो हमारी पूरी डिटेल्स है यहाँ पर आ चुकी है। स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरह का हमारे सामने फॉर्म आएगा और यहाँ पर दोस्तों एक चीज दिखाई देगी, एक मैं बता दूं आपको क्या दिखाई देगा। क्या आप अल्पसंख्यक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? ऐसा कॉलेज एमपी ने क्या किया है ना, एमपी गवर्नमेंट ने इस बार नहीं, इससे पहले भी हम कहेंगे 2023 में भी एक सुविधा लागू की है, कुछ कॉलेजों को माइनॉरिटी घोषित किया गया। अगर आपके जिले में या आपके आसपास जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज अगर माइनॉरिटी के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आपका कॉलेज माइनॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता है तो आपको नो करना है। और माइनॉरिटी के अंदर ज्यादा कॉलेज नहीं है, ठीक है। जो आदिवासी एरिया है ना एमपी का, उसी टाइप उसी जगह पर ही हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक कॉलेज है। वैसे अल्पसंख्यक कॉलेज बहुत ही कम है। अगर आप यस करोगे तो केवल और केवल फिर आपको चॉइस फिलिंग में अल्पसंख्यक कॉलेज ही डालने होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर आपको केवल और केवल नो करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में हमें प्रायोरिटी देनी होगी हमें अपने कॉलेजेस की। अगर यहाँ पर हम बात करें तो हम यहाँ पर 10 कॉलेज को प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रायोरिटी देने का मतलब होता है कि आपको ए कॉलेज में एडमिशन लेना है या बी कॉलेज में एडमिशन लेना है, सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उन कॉलेजेस के नाम यहाँ पर डालने हैं। यहाँ पर आप एक कॉलेज भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आप 2 कॉलेज भी, यहाँ पर आप 3 कॉलेज भी फिल कर सकते हैं। कॉलेज फिल करने के लिए यहाँ पर आपको कॉलेज कोड डालना होगा, कोर्स कोड डालना होगा। अब ये बात आती है हमें कॉलेज कोड और कोर्स कोड कहाँ से मिलेगा, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कॉलेज कोड कोर्स कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लिक केयर फॉर सर्च कॉलेज कोड एंड कोर्स कोड, यहाँ पर आपको क्लिक, चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, आपका जो भी कॉलेज है किस जिले के अंतर्गत वो आता है वो डालना है। आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट में, वो आपको फिल कर देना होगा, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अगला स्टेप रहेगा लेवल, यानी कि आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में, तो यहाँ पर हम यूजी में ले रहे हैं, बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पर ऑल टाइप रहने देना है। इसके बाद में आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। आपको अपना नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कॉलेज का, ठीक है। इसके बाद आपको अपना कोर्स का नाम सिलेक्ट करना है, इस कॉलेज के अंतर्गत आप किस कोर्स को करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपके कॉलेज में जो भी कोर्स होंगे ना केवल वही कोर्स आपको दिखाई देंगे। किसी कॉलेज मान के चलिए 2 कोर्स होते हैं, बीए और बीकॉम होता है, तो बीए बीकॉम ही दिखाई देगा, यहाँ पर पूरी लिस्ट नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ से हम एक कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कैप्चा कोड का आंसर डालना है, सर्च कर देना है। जैसे हम सर्च करेंगे हमारे सामने हमारे कॉलेज का कोड आ जाएगा, कोर्स का कोड आ जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट नंबर पर दिख रहा है वो कॉलेज का कोड है, दूसरे नंबर पर दिख रहा है वो कोर्स का कोड है, वो यहाँ पर हमें फिल करना होगा। नीचे प्रायोरिटी देंगे जब हम, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा कि हमारा कॉलेज कैसा है, नॉन माइनॉरिटी हमारा कॉलेज है, ठीक है।
अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो कॉलेज कोड है उस कॉलेज कोड को तो यहाँ पर, और जो हमारा कोर्स कोड है इस कोर्स कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिल कर देते हैं हम। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने फिल कर दिया। इसके बाद मैं ऐड प्रेफरेंस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ऐड प्रेफरेंस पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इस कॉलेज से और इस कोर्स से संबंधित जो भी कोर्स होगा और यहाँ पर उसका नाम होगा, कॉलेज का एड्रेस जो भी होगा वो यहाँ पर पूरा आ जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर आपको और भी कॉलेज अगर प्रेफरेंस में फिल करने हैं तो दोस्तों आप फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर 10 कॉलेज तक फिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो नीचे आ जाना, लॉक चॉइस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लॉक चॉइस पर क्लिक करेंगे आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो लॉक हो जाएगी। और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा भी गया है कि चॉइस लॉक। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग लॉक हो चुकी है। प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। अब तीसरा स्टेप होता है हमारा कौन सा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होंगे मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। मुझे कमेंट करना, जल्दी से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को यहीं पर करते समय मिलता है अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।